निर्वाचन आयोग के, जिसने बिना किसी शर्त के माफी मांग ली है। जी हां, देश के मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव से माफी मांगी गई है। आरटीआई के तहत ईवीएम उपलब्ध कराने का ये मामला है। गलत रूप से आवेदन खारिज करने पर माफी मांगी गई है। एडवोकेट रज़ाक हैदर ने मामले में अपील की थी। भारत निर्वाचन आयोग ने आवेदन खारिज किया था। तो भारत निर्वाचन आयोग ने बिना शर्त माफी मांगी है देश के मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव से। आरटीआई के तहत ईवीएम उपलब्ध कराने के मामले में ये माफी मांगी गई है। गलत रूप से आवेदन खारिज करने पर माफी मांगी गई है। दरअसल एडवोकेट रज़ाक हैदर ने इस मामले में अपील दायर की थी, जिस पर भारत निर्वाचन आयोग ने आवेदन को खारिज कर दिया था। तो भारत निर्वाचन आयोग ने बिना शर्त माफी मांगी। आपको बता दें, देश के मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने माफी मांगी है। आरटीआई के तहत ईवीएम उपलब्ध कराने का ये पूरा प्रकरण है। गलत रूप से आवेदन खारिज करने पर मांग की गई है माफी। एडवोकेट रज़ाक हैदर ने की थी प्रकरण में अपील और भारत निर्वाचन आयोग ने किया था आवेदन को खारिज। और अब इस पूरे मामले को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने बिना शर्त माफी मांग ली है। देश के मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने माफी मांगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी निजाम जुड़ गए हैं। निजाम, ये पूरा मामला बताइए कि क्या ये आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी, किस तरह से भारत निर्वाचन आयोग पर सवाल उठे थे और माफी मांगी गई है? देखिए, जोधपुर हाईकोर्ट में एक अधिवक्ता है रज़ाक के हैदर, जो पिछले कई सालों से आरटीआई में काम कर रहे हैं, और इन्होंने आरटीआई के तहत एक आवेदन किया था। पहले राज्य निर्वाचन आयोग से किया था, फिर भारत निर्वाचन आयोग से किया था, और दोनों जगह किया है इन्होंने। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ये मांगी गई कि एक वस्तु के रूप में माना जाए जो ईवीएम है, वो ईवीएम को एक वस्तु दस्तावेज के रूप में माना जाए। जैसे कि कोई दस्तावेज होता है किसी कागज का, उसी तरीके से इसको दस्तावेज मानकर उपलब्ध कराया जाना चाहिए आरटीआई के तहत। पहले इसकी अपील, दो अपीलें पहले खारिज की जा चुकी थी निचले स्तर पर। तो आखिर में जब मुख्य सूचना आयुक्त के पास ये मामला पहुंचा, जब भारत निर्वाचन आयोग वहां पेश हुए, तो उन्होंने जो अपने रिप्लाई किए वो लगातार गलत तरीके से किए गए, जिसके बाद फटकार की भी लगाई थी भारत निर्वाचन आयोग ने। और आखिर जो पिछले पांच दिन पूर्व भी इस मामले पर सुनवाई थी, और आज जो है जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनका जो आदेश है वो अपलोड किया गया, और जिसके तहत साफ तौर से कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस मामले में बिना शर्त ये कहते हुए माफी मांगी कि उन्होंने जो एक वस्तु के रूप में, या कहें कि एक दस्तावेज के रूप में, जो ईवीएम को उपलब्ध कराने से जो आवेदन खारिज किया था, वो उनका कृत्य गलत था, और इसके लिए वो बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं। और इसके साथ ही देखिए, महत्वपूर्ण बात ये है, हमने कुछ दिन पूर्व भी चलाई थी कि भारत निर्वाचन आयोग जो मुख्य सूचना आयुक्त है, उन्होंने आदेश दिए थे कि ईवीएम को इस आधार पर उपलब्ध नहीं करा सकते और आपको इसमें अपना जवाब पेश करना होगा। तो एक ये बड़ी बात कह सकते हैं कि ईवीएम उपलब्ध कराने को लेकर जो खारिज किया गया था आवेदन, उसे गलत माना है आयोग ने भी। तो सूचना, अब इस मामले में देखिए कि आगे क्या स्थिति होती है, क्या भारत निर्वाचन आयोग जो है वो आगे इस ईवीएम को उपलब्ध कराएगा या नहीं, ये अभी इसमें क्लियर होना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम तमाम जानकारी के लिए।